और नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ रविवार को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की करीब एक घंटे बैठक चली। बैठक में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बातचीत की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने चर्चा की गई। राष्ट्रीय बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसका पालन किए जाने पर भी यहाँ पर सहमति बनी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 और 11 सीटें हम जीतेंगे, इस लक्ष्य से काम करेंगे। राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी, जिसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस सरकार की चली गई। मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल कर बैठे थे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार 75 पार, उनके दावे आपने देखे हैं। और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आज हम सबने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की, विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते। अभी थोड़े दिन पहले और एक यात्रा राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की निकली थी, उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे वहां भी कुछ नहीं मिला, तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। वो कितनी यात्रा निकाली,